हेलो एवरीवन कैसे हैं भाई सभी एक बार कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं क्या पढ़ रहे हैं हम तो आप सब जानते हैं हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम में आप क्या पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए नर्वस सिस्टम में आप दो चीज़ें पढ़ते हैं एक आपका ब्रेन और दूसरा आपका स्पाइनल कोड दोनों चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें मेन है सबसे ज़्यादा मेन है आपका ब्रेन तो आपको पता है ब्रेन बहुत बहुत ऐसे एनिमल है जिसके पास ब्रेन है लेकिन हम किसका ब्रेन डिस्कस कर रहे थे तो मैम हम पढ़ रहे थे ह्यूमन ब्रेन या मैम इसे हम कह सकते हैं मानव मस्तिष्क इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे, हम कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे मानव मस्तिष्क ठीक है इसे हम क्या कहेंगे भाई तो इसे हम कहेंगे मानव मस्तिष्क ठीक है तो बताइए कैसे हैं सभी शुरू की जाए क्लास क्या चल रहा है तो जल्दी से जितने भी बच्चे यहाँ पे रोज आते हैं सभी को जल्दी से बुलाइए कि भाई आ जाओ सात बजे वाली क्लास शुरू हो गई है और आप देखो बिल्कुल सात बजे मैम आ जाती है इसलिए कि तुम जो है टाइम से आओ और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाऊँ इसलिए मैं रोज सात बजे आ जाती हूँ तो आप सभी टाइम से आना शुरू कर दो भाई हाँ इसलिए देखो दिन में क्लास नहीं हुई बिल्कुल शाम को होती है कि कोई ये नहीं कहे मैम मेरा कॉलेज बहुत सारे बच्चे कहते थे मैम हम कोचिंग जाते हैं हम कॉलेज जाते हैं हम दो बजे नहीं आ पाते पहले अपनी क्लास दो बजे होती थी फिर सब कुछ सोचते हुए मैंने शाम को क्लास करवाई है मेरी क्लास अभी देखा जाए तो पाँच बजे खत्म हो गई थी मैं तब से सात बजे क्लास के लिए ही बैठी थी तो सभी आएंगे और बताएंगे आप सभी कैसे हैं गुड इवनिंग गुड इवनिंग नैना जी गुड इवनिंग रितु मीना गुड इवनिंग रितु मीना हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं और बहुत दिनों के बाद दिखे चलिए पहले रितु मीना को मैं समझती थी कोई लड़की है है ना फिर मैंने देखा अच्छे तो एक लड़का है उसके बाद फिर दयानंद जी हैं गुड इवनिंग दयानंद विनय शर्मा जी गौरव दुर्गानंद आकांक्षा दीक्षा देखो यहाँ जो है जितने भी कशिश जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं मैं एक एक का नाम बता सकती हूँ ये सब रेगुलर बच्चे हैं और इसी बात की मैं इसीलिए रोज आ जाती हूँ सात बजे है ना कुछ हो ना हो सात बजे वाली क्लास होनी चाहिए मैं उठ के भाग आती हूँ भाई सात बजे क्लास लेंगे क्यों क्योंकि यहाँ पे जितने बच्चे हैं रेगुलर हैं ये सभी अपना रेगुलर बच्चा पार्टी के लिए मैं हमेशा जो है क्लास में टाइम से आ जाती हूँ चलिए क्षा रितु मीना, बताओ रितु मीना किसी लड़की का ही नाम हो सकता है, है, जो रहते है, भी है, रहते है उनको बताओ सात बजे वाली क्लास आ गई है आ जाओ पढ़ लो है ना अगर हम बात करें तो पहले आप साइंस नहीं पढ़ते तो भी काम आपका थोड़ा बहुत चल जाता था भाई प्री है जीएस देख लेंगे है ना लेकिन बच्चा अब जीएस मेन्स में भी आ रही है और साइंस के कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और

हाँ? ये तो राम कहानी है ही पता आज मैं यहाँ बहुत अच्छी से फोटो लेके आई आज क्लियर रहेंगे आज सारी फोटोज मैं जो है बहुत अच्छे से मैंने है। आज कलाकारी कर रखी है पूरी तो आज जो है बिल्कुल आपको फोटोज बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे बस आप सभी जितने भी बच्चे हो मुझे यहाँ पढ़ने वाले और यहाँ जो बच्चे आते हैं पढ़ने वाले ही आते हैं राजजूर यहाँ पे जितने भी बच्चे आते हैं बड़े सिंसियर बच्चे आते हैं मैं ये देखती हूँ चलिए विशाल कैसे है गुड इवनिंग विशाल मिश्रा जी सब ठीक चल रहा है एमडी अली ओके विनय शर्मा निकिता निखिल गौरव ओके ओके सभी आ चुके हैं तो देखो बच्चा अगर हम बात करें हिंड ब्रेन कहां से आ गया हाँ, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ब्रेन हिंदी में लिख दूंगी भाई हिंदी में लिख दूंगी मस्तिष्क के मस्तिष्क के पार्ट होना चाहिए भाग होना चाहिए टाइप नहीं होना चाहिए भाई टाइप थोड़ी ना कि भाई उनका नीले वाला ब्रेन है मेरा पीले वाला है ना यहाँ पार्ट होना चाहिए पार्ट्स parts of brain तो अगर हम बात करें मस्तिष्क के भाग आप सब जानते हैं मस्तिष्क को हमने मेन तीन भागों में बांटा था फर्स्ट वन इज फोर ब्रेन मैंने कहा था ऐसे खड़े हो जाओ है ना प्राणियों मैंने क्या कहा था ऐसे खड़े हो जाओ आगे वाले को फोर ब्रेन बीच वाले को मिड ब्रेन और पीछे वाले को हिंड ब्रेन यानी इसे हम क्या कह रहे थे मैम अग्र मस्तिष्क राइट इसे मैम मध्य मस्तिष्क और इसे हम क्या कह रहे थे इसे हम पश्च मस्तिष्क कह रहे थे आज हम बहुत अच्छे से अपने पूरे ब्रेन का डायग्राम भी बनाएंगे पहले हम पार्ट्स सीख लें फिर सभी पार्ट्स आपके ब्रेन में कहां -कहां पे इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है मैं अच्छे से आपको करके दिखाऊंगी आइए अब इसके बाद में आगे चलते हैं इसके बाद में अगर मैं आपको आगे लेके चलूँ तो आपका जो फोर ब्रेन है इसके अगेन तीन पार्ट है बच्चा तीन पार्ट इसके कौन कौन से हो जाएंगे थैलेमस ठीक है थैलेमस उसके बाद में थैलमस के बिल्कुल नीचे आप क्या लिखोगे हाइपोथेलमस हाइपोथेलमस उसके बाद में उसके बाद में कौन सा आएगा हाइपोथैलमस के बाद आपका क्या जाएगा आपका सेरिब्रम राइट right? मैंने कहा था मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता आपको इसका पार्ट कोई नहीं पढ़ना है हिंड ब्रेन के अगेन तीन पार्ट थे जल्दी से आप लिख दो भाई जल्दी से आप लिख दो पहला था पॉन्स किसी किसी बुक में पूरा लिखा होगा पॉन्स वेरोलाई ठीक है तो कुछ भी आ जाए आप पॉन्स लिखना शॉर्ट में याद रखो है ना दूसरा था आपका मेडुला मेडुला ओब्लंग ओब्लंग गेटा ठीक है और लास्ट वाला था आपका सेरिबेलम लम बैलम। सैरी बैलम और सैरीभ्रम में मैंने कहा था दोनों में डिफरेंस क्रिएट करके चलेंगे सैरी ब्रम इसका पार्ट है और जो है सैरी बैलम इसका पार्ट है मैंने कहा था भाई इनकी कोई हिंदी नहीं होती सीधा लिखाएगा मेडुला मैडुला ओब्लन इन इंग्लिश एंड एज वेल एज इन हिंदी ठीक है हाँ इसको सैरी बलम को कई कई बार इसे अनु मस्तिष्क कह दिया जाता है अनु का मतलब अगर हिंदी में जाओगे शायद छोटा होता है ना अनुज को बड़ा भाई अनु को कुछ ऐसे होता है और शेरी ब्रह्म को हम प्रे मस्तिष्क कहते हैं प्र मस्तिष्क कहते हैं इतनी बातें तो कल की क्लास की बता दी इतनी बातें तो मैम आपने कल की क्लास सभी को याद है इतनी बातें अब देखो अब सभी जो है जितने आ, बच्चे हैं सभी अपनी कॉपी में बनाएंगे कुछ बहुत अच्छे से बनाते होंगे कुछ मेरे जैसे कलाकार होंगे तो जो कलाकार बच्चे हैं वो भी और जिन जो अच्छे से बना लेते हैं फिगर वो भी सब अब मेरे साथ फिगर बनाएंगे ब्रेन और अपने हाथ से देखेंगे कि कहाँ पे ब्रेन का कौन सा पार्ट है अगर ऐसा कर लोगे तो कभी भी एग्जाम में कोई गलती नहीं करेंगे आप अगर आप ऐसा करेंगे मेरे साथ साथ तो कभी भी किसी एग्जाम में कोई गलती नहीं कर रहे होंगे ओके चलिए आकांक्षा जी बड़ा प्यार दिखा रहे हैं थैंक यू चलिए भाई आइए यही प्यार तो है जो मुझे रोज रो साथ में लाके यहाँ सात बजे लाके कैमरे के सामने खड़ा कर देता है आपका प्यार ही तो है चलो अब शुरू करते हैं तो बहुत रंग बिरंगा सा बनाएंगे है ना बिल्कुल बहुत रंग बिरंगा सा हम कुछ क्रिएट करने वाले हैं यहाँ पे कुछ अच्छा सा एक कलर ले लू मैं रुको एक मिनट एक कलर बनाते हैं ये कलर बना लेते हैं ये भी अच्छा लगेगा चलो सबसे पहले हम यहां से ठीक है थोड़ा मोटा बनाएंगे सबसे पहले इस तरीके से आपकी एक पूंछ निकली होती है ब्रेन की ठीक है सबसे पहले आपके ब्रेन की एक पूंछ निकली होती है बच्चा जिसे कहा जाता है जिसे कहा जाता है मैडुला मैडुला ठीक है मैं साथ साथ दिखाते रहूं क्या साथ साथ, रुक जाओ एक सेकंड हाँ देखो सबसे पहले आप स्पाइनल कोड छोड़ दो स्पाइनल कोड हम बाद में पढ़ेंगे देखो ये वाला स्पाइनल है इसे छोड़ दो इससे ऊपर सबसे पहले ये वाला पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं जिसे हम मेडुला ओब्लन गैटा कहते हैं सबसे पहले ये वाला पार्ट है जिसे हम मेडुला ओब्लन गैटा कहेंगे तो देखो सबसे पहले हमने ये पार्ट बनाया मेडुला ओब्लन गैटा उसके बाद में कुछ इस तरीके से दूसरे कलर से बनाएंगे ताकि अलग अलग रहे उसके बाद में कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर रहेगा ठीक है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा जो इसके बाद क्या आएगा जिसके बाद आएगा ठीक है आप शॉर्ट में लिख देंगे उसके बाद में इसी के ऊपर बच्चा छोटी सी स्ट्रक्चर इसी तरीके से रहेगी दूसरे आएंगे हम इसी तरीके से एक छोटी सी इसके ऊपर स्ट्रक्चर रहेगी जिस जो आपका होता है मिड ब्रेन जो आपका मिड ब्रेन अब देखो मिड ब्रेन देखो कितना छोटा है है ना मिड ब्रेन को इसीलिए छोटा छोटा दिमाग कहा गया है कि स्मॉल पार्ट ऑफ द माइंड है ना मिड ब्रेन ओके अब कहोगे कि मैम अगर हम बात करें मैम सरे ब्रम कहां होता है सैरे बलम को देखो ध्यान से देखना बच्चा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ये यह देखो यहीं पर जहाँ पर मेडुला मैडुलाटा है और पॉन्स है यहीं पर क्या कुछ पीपल का जैसे पीपल का पत्ता देखा ना ऐसे 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 पीपल के पत्ते की एक शेप होती है यहाँ पर और इसी इसी शेप में यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है यहाँ पर कुछ यहाँ पर ऐसे आपका क्या लगा हुआ है कुछ यहाँ पर अगर हम बात करें रुको कुछ यहां पर आपका क्या लगा हुआ है मैं हरे कलर से बना दूं इस तरीके से आपका सेरे बैलम ठीक है सेरी बैलम। ठीक है यहां तक डन हाँ. अब क्या है? आपका मैडुलाटा हो गया पोन्स हो गया मिड ब्रेन हो गया सैरी बैलम हो गया यहां तक बातें क्लियर है हां जी मैम यहां तक बातें क्लियर है अब बच्चे ध्यान से देखो इधर आओ इसमें देखो क्या क्या हो गया अपना अपना हो गया मेडुला अबलन हो गया Pons हो गया हमने बना दिया सेरेबलम हमने बना दिया अब जहां मिड ब्रेन है इसी के ऊपर क्या होती है इत, मैं आपको बाद में क्या होता है के जस्ट नीचे आपका होता है आपका आपका है, है, है ठीक है तो यहां पर आप क्या करेंगे यहां पर पहले आप क्या बनाएंगे व्हाइट कलर से पहले यहां पर बनाओ आपका क्या बनाओगे आपका हाइपोथेलमस और इसी के ऊपर क्या होता है आपका थैलेमस ये आपका क्या है थैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस तो आज के बाद आप यह समझ जा, जाओगे कि थैलेमस के नीचे होता है आपका क्या होता है आपका थैलमस के नीचे आपका हाइपोथैलमस होता है अगर एग्जाम में आ गया कि थैलमस की लोकेशन कहाँ है तो आप क्या कहेंगे हाइपोथैलमस जो है थैलमस के जस्ट नीचे पाया जाता है बच्चे उसके बाद में यहाँ पर अगर मैं बनाऊं तो इस तरीके से आपका क्या होगा इस तरीके से आपका बड़ा वाला ब्रेन शुरू होगा जो पार्ट आपका आएगा सेरे भ्रम ठीक है यह आपका सेरी वाला पार्ट है सेरी सेरी ब्रम.

अब अगर मैं पूछूं कि हिंड ब्रेन का पार्ट कौन कौन सा है तो आपका पोन्स इधर आने दो हाँ, ये आपका पॉन्स मेडुला और सेबलम ठीक है ये पार्ट तो अपना आ जाएगा ये वाला पार्ट अपना आ जाएगा किसमें ये वाला पार्ट हो जाएगा मैम हिंड ब्रेन का हिंड ब्रेन यानी

रखा है तो बच्चा देखो ये तो छोटे में है सारे है ना जो ये वाला पार्ट है ये वाला पार्ट अगर मैं ये ग्रीन वाला हटा दू सारा अगर मैं ग्रीन जो मैंने ग्रीन कलर से बना रखा अगर मैं हटा दूं हाँ, तो अगर मैं ग्रीन कलर से हटाती हूँ तो सबसे बड़ा वाला पार्ट आपको ये दिख रहा है यह आपको सबसे बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है तो याद रखना सेरेब्रम आपका 80 प्रतिशत तो दिमाग का इसी ने घेर रखा है यह आपके एग्जाम का क्वेश्चन बाकी 20 प्रतिशत में सारे हैं ठीक है डन बहुत अच्छा बहुत अच्छा हाँ फोर ब्रेन ने शिवांगी बिल्कुल और फोर ब्रेन के भी किस पार्ट ने सेरी ब्रह्म में सेरी ब्रह्म ने ठीक है बहुत अच्छा कर रहे हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं है ना और उसके बाद में फिर ये अब देखो अगर आप मुझे एक बात बताओ बच्चा इधर आओ इसमें ही पहले देखते हैं अब देखो यहां से ही यहाँ से ही ऐसे पूंछ लाइक स्ट्रक्चर जुड़ी होती है पूंछ लाइक ठीक है जिसे हम क्या कहते हैं जिसे हम स्पाइनल कोड कहते हैं ठीक है स्पाइनल कोड कहते हैं या इसे हम मेरू रज्जू कहते हैं मेरू रज्जू ऐसे इसी ऐसे पूंछ जैसी जाती है पूंछ जैसी ठीक है इसे हम मेरू रज्जू भी कहते हैं ठीक है यहीं से स्पाइनल कोड आपका मेरू रज्जू जुड़ा होता है मैम प्रचंड बैच में कब से क्लास होगी आपकी अच्छा प्रचंड बैच में मैं क्लास लूँगी अब फ्रीन डोंट वरी और वहाँ पे हम कुछ अच्छा शुरू करेंगे है ना फिज़िक्स वगैरह जो भी अच्छा तो ये भी है पर आप बायोलॉजी पढ़ के मुझे पता है हर जगह मैं बायोलॉजी ही शुरू हुई है प्लानर के अकॉर्डिंग टू प्लानर तो थोड़ा सा हो गया है कि मैम फिजिक्स भी पढ़ा दो केमिस्ट्री भी पढ़ा दो तो वहाँ हम फिजिक्स शुरू करने वाले हैं है, है ना चलिए स्पाइनल हाँ, कोर्ट कहते हैं मेरू रजू कहते हैं अब बच्चे देखो क्या ये आपको ये आपको एक तने जैसे स्ट्रक्चर लग रही है क्या ये स्ट्रक्चर में एक स्टेम मान लू देखो एक फूल बनाते हैं फूल कैसे बनाते हैं एक स्टेम बनाते हैं फिर उसके ऊपर ऐसे फूल रहता है राइट तो क्या ये कुछ ऐसा लग रहा है हाँ जी मैम ऐसा लग रहा है तो एग्जाम का क्वेश्चन है कि जो ब्रेन का स्टेम होता है क्या होता है स्टेम ब्रेन स्टेम ठीक है ब्रेन स्टेम यानी दिमाग जो ब्रेन का तना होता है वो किससे कौन कौन सा पार्ट मिलके बनाता है तो कौन कौन सा पार्ट मिल रहा है आपका पोन्स मेडुलाटा और मिड ब्रेन ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं ब्रेन स्टेम बनाते हैं ये भी आपको याद रखना है ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं जो है आपका क्या बनाते हैं आपका स्टेम बनाते हैं ये भी याद रखना अब हम एक एक पढ़ना शुरू करते हैं हम कैसे कैसे पढ़ेंगे देखो एक नंबर पर हम सैरीबल पढ़ेंगे फिर दूसरे नंबर पर मेडुलाटा तीसरे नंबर पर पोन्स फिर चौथे नंबर पर मिड ब्रेन

जल्दी से वाई वाई टाइप करना है हां जी बहुत अच्छा लिखा है शिवांगी शर्मा ने मैम मिड ब्रेन मेडुला एंड पॉन्स मिलके स्टेम बना रहे हैं बहुत अच्छा चलो और मतलब एक बात है मतलब मेरी क्लास की ना नोटिफिकेशन नहीं जाती पता तुम्हें मैं रोज सोचती हूँ कभी सात कभी से दो मिनट पहले भी लाइव करवा देती हूँ सात बजे भी एग्जैक्ट सात बजे भी लाइव करवाती हूँ कि भाई मेरी क्लास की नोटिफिकेशन चली जाए पर पता नहीं क्या है मेरी क्लास की नोटिफिकेशन नहीं जाती अगर नोटिफिकेशन चली जाए तो सब बच्चों को पता चल जाए तुमने सब्सक्राइब तो कर रखा है ना अब चैनल को कर किया तो मैंने भी आ, आई तो नोटिफिकेशन किसी पे गई है नोटिफिकेशन क्लास की किसी पे किसी बच्चे पे मुझे पता है सब मेरे जैसे मनीषा है विनय है ये सब मेरे रेगुलर बच्चे हैं खुशबू हैं सब खुद से ही आ रहे हैं नोटिफिकेशन नहीं गई है आइए अब चलते हैं आगे क्या हो गया निकिता क्या हो गया रो क्यों रहे हो आप हाँ बच्चे अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में तो अब हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में जो ये वाला पार्ट है सेरिबलम बिलम वाला पार्ट इसके बारे में ठीक है एक नंबर हम इसे देंगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे चले नोटिफिकेशन बदतमीज हमें <laughs> हाँ नहीं आती है चलिए ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं आप ना याद रखिए आप याद रखिए कि भाई खाना पीना खाएं या नहीं खाए सात बजे वाली क्लास में जाना है है ना ठीक है चलो चलिए ओके okay विशाल जी वेरी गुड आपका कुछ आपने महंगे वाला फोन ले रखा हो विशाल ने महंगे वाला फोन ले रखा देख लो उनके नोटिफिकेशन जाती है महंगा फोन लो इसलिए कहते हो निकमो रोजगार बन जाओ है ना महंगा फोन लोगे तब नोटिफिकेशन जाएगी <laughs> आ जाओ चलिए शुरू करें शुरू करें तो हम सैरी वैलम शुरू करते हैं हम सरीवैलम शुरू करते हैं आइए सेलम एक सेकेंड थैंक यू इसे हम अनु मस्तिष्क कहते हैं देख रहे हो चाय आ रही बिना मांगे देख रहे हो तुम इसी के लिए कहते हो तुम भी रोजगार बन जाओ मस्तिष्क इसीलिए हो बेरोजगारी में कुछ नहीं है मम्मी कहती हूँ घर में ऐसे बैठो मटर छिल लो लहसन छिल लो है ना तो रोजगार बन जाओ आइए सैरी बोले मैं बच्चा छोटा दिमाग अनु मस्तिष्क ठीक है तो सबसे पहला आप इसे क्या लिखेंगे कि मैम इसे लिटिल ब्रेन कहा जाता है ठीक है इसे सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे इसे लिटिल ब्रेन कहा जाता है छोटा दिमाग कहा जाता है इसे या छोटा मस्तिष्क कहा जाता है सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ब्रेन के किस पार्ट को ब्रेन के किस पार्ट को छोटा दिमाग कहा जाता है ब्रेन के किस पार्ट को छोटा दिमाग कहा जाता है तो आपको याद रखना है कि सैरी ब्रम को हम क्या कहते हैं छोटा दिमाग कहते हैं ठीक है दूसरा नाम है इसका क्या है दूसरा नाम ये इसका पहला क्वेश्चन है फर्स्ट एम्स ठीक है बच्चा सेकेंड एम से क्यू इज़ हाँ सेकेंड एम से क्यू देखेंगे सेकेंड वाला क्या है दूसरे नंबर वाला क्या है आपसे पूछा जाएगा ट्री ऑफ लाइफ किसे कहते हैं ट्री ऑफ लाइफ ट्री ऑफ लाइफ किसे कहते हैं यानी जीवन का वृक्ष जीवन का वृक्ष हम किसे कहते हैं जीवन का वृक्ष हम किसे कहते हैं मतलब ये है तो ही जीवन है ये नहीं है तो जीवन नहीं है तो आपसे आपको कहना है कि सैरी बिलम को हम क्या कहते हैं ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं और बच्चा इसे हम तीसरा नाम इसका लिखो इसे हम अरबर 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 विटाई कहते हैं अरबर विटाई कहते हैं ठीक है अरवर विटाई अब कहोगे मैम ये अरवर विटाई क्या है फोटो लेके आई आयु दिखाऊंगी अरवर विटाई बच्चा एक प्लांट है ठीक है अरवर विटाई क्या है अरवर विटाई देखो मुझे पीपीटी चला इधर इधर ये चलाना नहीं आ रहा रुको एक मिनट मेरे को ना नोट्स में पढ़ाने की आदत है रुको आ, ये रहा ये रहा अरवर विटाई देखो जब अभी मैंने बनाया था जब अभी मैंने सेरीविलम बनाया था कुछ ऐसा दिख रहा था क्या बच्चा मैंने कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनाई थी लाइक दिस ठीक है ये अरबर विटाई है ये क्या है ये अरबर विटाई है ठीक है ठीक ये देखो ये क्वेश्चन किस बच्चे को पता था कि छोटे दिमाग को अरबर विटाई कहते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसे नहीं पता होगा है ना पर आप मेरे से पढ़ रहे हो और मेरा स्टूडेंट मैं ऐसा तैयार करूंगी कि अगर इस लेवल का क्वेश्चन आ रहा तो इस लेवल पर वो जा रहा है तैयार होकर इस लेवल पे बेशक उसने यूट्यूब से पढ़ाई की है लेकिन उसने एक नंबर की पढ़ाई की है ठीक है तो अरबर विटाई पूछे तो कहते ना छोटे दिमाग को ही अरबर विटाई कहा जाता है छोटे दिमाग को ही अरबर विटाई कहा जाता है अब चलते हैं हम अपने आगे ठीक है अब बच्चे देखो कि मैम इसका कार्य क्या है इसको हम जीवन का पेड़ क्यों कहते हैं ऐसा क्या काम करता है मैम इसका फंक्शन क्या है मैम इसका फंक्शन क्या है मैम इसका कार्य क्या है मैम इसका कार्य क्या है मैम इसका फंक्शन क्या है क्यों हम इसे जीवन का वृक्ष कह रहे हैं है मैम ऐसा क्या काम करता है सबसे पहली बात बच्चा स्पीकिंग पावर ठीक है स्पीकिंग पावर स्पीकिंग पावर पे यही कंट्रोल करेगा स्पीकिंग पावर पे यानी जो आपकी बोली है बोली लिख लीजिए बोली पर यही कंट्रोल करता है दूसरा दो इसका दूसरा जो मेन काम है वो है बॉडी बैलेंसिंग बॉडी बैलेंसिंग ठीक है बॉडी बैलेंसिंग बॉडी बैलेंसिंग यानी शरीर का संतुलन शरीर का संतुलन शरीर का संतुलन एक बात बताओ जब आप अल्कोहल ले लेते हो जब कोई अल्कोहल, शराब का कंजप्शन ज्यादा कर लेता है तो क्या वो बच्चा सही तरीके से चल पाता है नहीं मैम क्या वो सही तरीके से बोल पाता है नहीं मैम मैं, मैं आई हूँ मैं मैंने कोई पी के नहीं आई हूँ मैं बिल्कुल अच्छे से आई हूँ ठीक है चाय है मेरे सामने और कुछ नहीं है तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि भाई इसके बाद मुझे ये बोलना है मुझे ऐसे पढ़ाना है मुझे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पढ़ाना है मुझे क्या बोलना है मुझे यहाँ स्टूडेंट्स बोलना है यहाँ मुझे बच्चे बोलना है है ना यहाँ जो है आ, क्या क्या चीज़ें मुझे बोलनी है मतलब मैं आपसे मैं यहाँ आई हूँ तो मैं पढ़ा के जाऊँ तो जो मेरी स्पीकिंग पावर है उस पर काम कौन कर रहा है उस पर काम मेरा सैन बैलम कर रहा है ठीक है मैं आई हूं तो मैं यहां चल सकती हूं है ना मैं बिल्कुल बिल्कुल मेरी बॉडी बैलेंस है आप बैठे हैं, आपकी बॉडी बैलेंस है कोई बाइक चला रहा होगा कोई गाड़ी चला रहा होगा है ना क्या पता कोई हवाई जहाज़ भी उड़ा रहा हो इस टाइम तो बच्चा हर कोई अपनी बॉडी को बैलेंस किया है क्यों क्योंकि उसके ब्रेन उसके ब्रेन में एक पार्ट पाया जाता है सेरिबेलम जिसने उसके बॉडी को कंट्रोल कर रखा उसके बॉडी पे कमांड कर रखा लेकिन जब लेकिन जब हमारी बुद्धि खराब होती है और हम क्या पी लेते हैं ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल ले लेते हैं जब आप ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल ले लेते हैं तब क्या होता है जब आप ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल ले लेते हो जिसे हम सू टू एच फाइव ओ एच कहते हैं बच्चा जब आप ज़्यादा ले लेते हैं तो तो क्या हो जाता है मैम? तो जा, री है, है? कुछ देर के लिए जो शराब पीता है देखना रात में पीता है लेकिन सुबह तक मॉर्निंग तक या आप देखना कह रहे मॉर्निंग तक ही वो ठीक हो जाता है ठीक है हो जाता है क्यों क्योंकि ये जो एल्कोहल है इसने आपके दिमाग को ब्लॉक किया है लेकिन टेम्परेरी किया है टेम्परेरी कुछ समय के लिए क्या है जैसे जैसे इसका असर खत्म होगा वैसे वैसे आपका शरी बिलम्ब काम करना ठीक हो जाएगा इसीलिए कोई रात में पीता है तो रात में ही झूमता है दिन में वो ठीक हो जाता है है ना अब देखो जिसने ज्यादा पी ली है जिसका बॉडी बैलेंसिंग नहीं है कभी जाके देखना गली में ऐसे मैंने देखा है बहुत सारे केस मैंने देखे कि गली में सोए रहते हैं और मतलब सो जाते हैं उसके बाद कुत्ते आके उनका मुंह चाट रहे होते हैं देखना भाई मैंने देखा है ना मुखर्जी नगर में मैंने कई बहुत टाइम गुजारा है और वहां की गलियों में मैंने सब देखा है तो ऐसा काम मत करना है ना शिल्पी मैम का नाक तो कभी मत कटवाना तुम ऐसे काम मत करना क्योंकि तुमने अपना पढ़ा हुआ है किसके बारे में सरे बलम के बारे में कभी कभी हो जाता है कि हाँ थोड़ा बहुत आपने ले लिया है ना हेल्थ के लिए अच्छा होता है लेकिन अच्छे जो ब्रांडेड होते हैं जैसे रेड वाइन हो गई ये सब आप कभी कभी ले सकते हैं वो भी कभी कभी अब यानी मैम ने कह दिया तुम भाई चलो कल पिताजी के सामने खोल के बैठे हो ना कभी कभी हार्ट के लिए अच्छा होता है आप कभी कभी ले सकते हैं ओके और तीसरा बच्चा जो आप मूवमेंट करते हैं ठीक है जो आप मोमेंट कर, करते हैं मूवमेंट यानी जो आप चलते फिरते हैं ठीक है जो आप चलते फिरते हैं उस पर भी काम किसका होता है मैम उस पर भी काम जो है सेरी का होता है ठीक है उस पर भी काम किसका होता है उस पर भी काम सेरीवैलम का होता है कब जब आप मूवमेंट करते हो है ना तो और मूवमेंट किसकी मूवमेंट जो आपकी मसल्स जो आपकी मसल्स की मूवमेंट है उस पर भी इसी का काम होता है जो आपकी मांसपेशियों की मूवमेंट है जैसे जैसे मेरे को है कि भाई मैं मारकर यहाँ रख दूँ ठीक है अब मुझे लग रहा है कि मुझे लिखना है मैं उठा लूँ मैं अपने हाथ को ऐसे घुमा लूँ मैं आप डांस करते हैं आप ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं मतलब है। जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हैं जैसे भी आप अपने जो है मेरा मार्कर गिर गया है तो मैंने इसे उठा लिया ठीक है तो जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हैं आप किस लिए कर रहे हैं बच्चा वो

हार्ट किससे मिलके बना हुआ है पूरा का पूरा हार्ट मसल से मिलके बना हुआ है तो बच्चा जो हार्ट है जो मसल से मिलके बना हुआ है इस पे भी कंट्रोल किसका रहेगा सेरिबेलम पे अब अगर बताओ यहां होता है इसलिए कहते किसी के पीछे नहीं मारना चाहिए अगर यहां मार देंगे तो इसका काम खत्म इसका काम खत्म सेरिबेलम का काम खत्म कभी देखना जब बाइक पे दो लोग जा रहे हो और एक्सीडेंट हो जाए तो आगे वाले को ज्यादा चोट लगती है यहां से फट गया यहां से फट गया वो बच जाता है लेकिन कोई पीछे से गिर गया बच्चा उसका यहां पे चोट लगी वो मर जाता है क्यों मर जाता है भाई सैरी वैलम का, का काम खत्म हो गया सैरी वैलम का, का काम खत्म तो का का हो, का 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 हो गया तो हार्ट का काम खत्म हो गया हार्ट का काम खत्म हो गया तो ब्लड पंप कौन करेगा और ब्लड पंप नहीं हुआ तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा और आपकी मौत हो जाएगी इसीलिए कभी कोई बाइक चलाता है उसके पीछे जो बंदा बैठा होता है वो पीछे ऐसे गिरता है और वो पूरा ठीक होता है कहते नहीं पीछे वाले को तो कुछ भी नहीं हो तो पूरा कहीं भी चोट नहीं लगे लेकिन उसके सैरी बैलम पर कई बार चोट लग जाती है और पीछे वाला बंदा मर जाता है एक क्रिकेटर थे है ना बॉलर थे मुझे याद नहीं आ रहा देखो उन उन वो भी क्या है वो भी उनकी भी मौत ऐसे हुई थी ऑन द स्पॉट कि वो पीछे गिर गए थे और उनके चोट कहाँ लगी थी इसी सैरी बैलम वाले पार्ट पे उनके चोट लग गई थी है ना इसीलिए ठीक है चलिए आ गई बात यहाँ तक तो ये बात आपको किसके बारे में पता चल गई सैरी बैलम के बारे में अब यहाँ मैम एग्जाम का क्वेश्चन बताइए एग्जाम का क्वेश्चन है कि शराब पीने के बाद जो आपके ब्रेन का है कौन सा पार्ट इफेक्ट हो जाता है आफ्टर ड्रिंक आपका कौन सा पार्ट इफेक्ट हो जाता है सैरी बैलम ठीक है ये वाला पार्ट हमने कवर कर लिया अब बताओ हम दूसरा नंबर हमारा कौन सा था ये वाला पार्ट अगर कंप्लीट कर लिया है आपने प्राणियों तो दूसरा नंबर हम किसको लेंगे कहाँ गया आज बहुत सारी फोटो लगा रखी है बहुत सारी बिल्कुल तुम्हें मजा आ जाएगा पढ़ने में चलो एक पार्ट अपना हो गया था कौन से वाला हो गया था ये वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया वन इज कंप्लीट हम किसको लेके भाई कौन कौन सा है? Second कौन सा है है बताओ जल्दी से हाँ हेलमेट पहन के रखना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल अरे इंडिया में इसलिए पहनते भाई चालान कट जाएगा इसलिए नहीं बता खोपड़ी बच जाएगी नहीं चालान कट जाएगा है ना चलो हाँ बिल्कुल 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 सैरी बैलम खत्म हो गया अब हम आते हैं बच्चा सेकंड नंबर मेडुला ओबलन गैटा ये आपका दूसरा नंबर था है ना तो अपनी कॉपी में हेडिंग डालो मेडुला ओबलन गैटा ठीक है अब जो है कॉपी में फटाफट हेडिंग डालो क्या हेडिंग डालो दूसरा वाला पार्ट हम शुरू करेंगे अपना ठीक है दूसरा वाला पार्ट हम शुरू करेंगे अपना मेडुला ये ये कलर विजुअल तो है ना देख लेना मेडुला ओबलन ठीक है हिंड ब्रेन का ही पार्ट है दूसरा पार्ट ठीक है मेडुला ओबलन गैटा मैडूला ओबलन मैम कहाँ काम करता है ये काम करता है इन इनवॉलेंट्री ये काम करता है इन इनवॉलेंट्री रिएक्शंस पे ठीक है रिएक्शंस पे इन इनवॉलेंट्री रिएक्शंस पे ये काम करता है यानी जो अनैच्छिक जो अनैक्ष अनैक्षिक क्रियाएँ होती हैं कैसे लिखेंगे अनैच्छिक देख लेना अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उस पर काम करता है ये एक होती है ऐच्छिक क्रियाएं एक होती है अनैच्छिक क्रियाएं दोनों में बताती हूँ एक होती है अनैच्छिक ऐसे लिखेंगे अनैच्छिक हाँ अब शायद मैं सही हूं थोड़ा सा देखो एक होती है इनवॉलेंट्री रिएक्शंस एक होती है वॉलेंट्री रिएक्शंस सारी की सारी इनवॉलेंट्री रिएक्शंस पे कौन काम करता है मेडुला मैडुलाटा सारी की सारी अनैच्छिक क्रियाओं पे कौन काम करता है, है, सारी सारी है? है? मैम ठीक है चलिए मैम गलत लिखे तुम सही लिख लो ठीक है तुम सही लिख लो देखो मेरी बात सुनो मेरे बातों पे जाओ है ना मेरे शब्दों पे जाओ मेरी भावनाओं पे जाओ बालक सुनो बच्चा अगर हम बात करें कि मैम ट्री और वॉल्ट्री दो रिएक्शंस होती हैं अनैक्षिक और दो क्रियाएं होती हैं है ना एक और दो क्रियाएं होती हैं अब अगर हम बात करें कि मैम जो क्रिया और क्रिया है, दोनों में क्या डिफरेंस है वॉलेंट्री का मतलब होता है ऐच्छिक ऐच्छिक का मतलब होता है बच्चा जो अपनी आप इच्छा अनुसार कर सकते हैं ऐच्छिक का मतलब है जो आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं जैसे मेरा मन है मैं कुछ लिख दूं ठीक है मैंने लिख दिया राम ठीक है शाम कुछ भी मैंने लिख दिया ठीक है मेरा मन है कि मैं थोड़ा सा बाल पीछे कर लूँ ठीक है मेरा मन है मैं मैं अपना माइक ऊपर कर लूँ मेरा मन है मैं जैकेट सही कर लू ठीक है मेरा मन है कि मैं जो है कॉपी उठा के यहाँ से यहाँ रख दू तो मतलब ये सब मेरा मन है मैं गेट ओपन कर दू राइट है ना कैमरा तोड़ने का मन नहीं है मेरा तो अगर हम बात करें कि जो मैं अपनी इच्छा अनुसार कर सकती हूँ जो मैं अपनी इच्छा अनुसार कर सकती हूँ वो है बच्चा वॉलेंट्री रिएक्शंस पर जो मेरे मेरे इच्छा अनुसार नहीं होगा जो मेरे इच्छा अनुसार नहीं हो सकता वो है इनवॉल्ट्री रिएक्शन जैसे मैं सोच भाई, मैं मैं सोच भाई सांस लेके थक चुकी हूं, मैं तीन चार दिन सांस नहीं लेती हूं दो तीन दिन सांस नहीं लू मेरा काम वही खत्म हो जाएगा मैं कह ये दिल बहुत दिन से धड़क रहा है मैं इसको रोक देती हूँ मैं जो है दो तीन दिन हार्ट से बोल देती हूँ हार्ट भाई अब पंप मत करो है ना दो तीन दिन हम रिलैक्स करते हैं पीडब्लू से छुट्टी ले लेते हैं दो तीन दिन घर पर के मैं भी रेस्ट करूंगी आप भी रेस्ट करोगे तो मैं हमेशा के लिए रेस्ट में चली जाऊंगी है ना ये बात सही है तो बच्चा कंट्रोल नहीं है तो मतलब कौन कंट्रोल कर रहा है अगर आपके बॉडी पार्ट को कंट्रोल, नहीं कर रहे हो, तो कौन कंट्रोल कर रहा है जैसे अगर हम बात करें रेस्पिरेशन है ना सांस लेना बच्चा श्वसन करना रेस्पिरेशन श्वसन पे ठीक है भाई कहने का मतलब तुमने सांस ले ली हाँ जी मैम सांस ले ली अब अंदर सांस जाएगा है ना हवा अंदर जाएगी फे उसको फेफड़ा आपका क्या करेगा फेफड़ा उसको आपका फिल्टर कर देगा जो है आपके जो है आ, खून को प्योरीफाई कर देगा वो सब आप में हाथ लगा के नहीं करना है वो क्या हो जाएगा वो इन्वॉलेंट्री रिएक्शंस हो जाएगी या मैं कहूँ डाइजेशन खाना खा लिया खाना पच जाएगा है ना अब ऐसा नहीं है कि भाई हम जो है अब आज खाना खा लिया मैं हम ऐसा करते हैं एक साल तक खाना नहीं पचाते हैं इसी खाने को हम एक साल तक चलाते हैं ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है तो कहने का मतलब अगर अगर आपकी हार्ट वीट हो गई ठीक है आपका ब्लड प्रेशर हो गया आपका हार्ट हो गया तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको छींक आती है ठीक है छींक है ना आपको उल्टी वोमेटिंग हो गया ठीक है ये सब जो आपके आप नहीं आप अपना उसको नहीं रोक सकते हैं वो सब क्या होता बच्चा वो सब होता है इविन वॉलेंट्री रिएक्शन मैम अगर हम हमारा कंट्रोल नहीं उस पर तो उस पर किसका कंट्रोल है आपको पता होना चाहिए उस पर मैडुला ओबलन गैटा का कंट्रोल है गुड इवनिंग सूजी एंड लियो गुड इवनिंग ठीक है सूजी एंड लियो रोज आते हैं इनका रिश्ता है इंग्लिश एंड हिंदी का है ना सूजी हैं इंडिया से और लियो हैं कहीं और से किस देश से हैं आप फॉरन कंट्री से हैं चलिए यहाँ तक मजा आया डन है मामला चले आगे ठीक है बच्चा तो अपना जो है अगर हम बात करें ब्रेन में ब्रेन में क्या हुआ ब्रेन में हमने कौन कौन सा पार्ट कंप्लीट कर लिया फर्स्ट हमने सेरीवलम सेकेंड मैम मेडुलाब्लिन गाटा थर्ड अपना आता है पॉन्स पॉन्स ठीक है पॉन्स जो है पॉन्स का ज़्यादा काम नहीं है ठीक है पॉन्स वेरालाई का पूरा नाम है चले पोन्स वेरालाई के बारे में आपको पढ़ाती हूँ मैं थोड़ा सा ठीक है तीसरा क्या लिखोगे तीसरा लिखोगे पोन्स वेरालाई ठीक है पोन्स वेरालाई ठीक है चलिए पोन्स वेरली आपका ये क्या है आपका नेक्स्ट आपका क्या है हाँ अनैक्षिक गुड इवनिंग गुड इवनिंग हाँ शशि गुड इवनिंग चलिए शुरू करें तो पोन्स वेरल बच्चा इसको आप याद करोगे इसको याद रखना कबूतर की तरह काम करता है ठीक है कबूतर कबूतर क्या करता है भाई लोगों के खत इधर से उधर पहुंचाता है अब नहीं पहले के जमाने में ऐसा कहते हैं कि जो खत होते थे वो कबूतर पहुंचाते थे है ना राजा का राजा का खत रानी को रानी का खत राजा को तो जो कबूतर है वो क्या करता है बच्चा वो इधर का संदेश इधर भेजता है इधर का संदेश इधर भेजता है है ना अब यहाँ पे बहुत लोग हैं ठीक है ठीके? कोई हरियाणा से होगा सब कहां, कहां से भाई लिखेंगे आज सारे कहाँ से हैं कोई पंजाब से होगा कोई हरियाणा से होगा कोई मध्य प्रदेश से होगा कोई यूपी से होगा कोई बिहार से होगा बहुत मुझे पता है हर स्टेट से बच्चे मेरे साथ जुड़े कोई दिल्ली से भी होगा है ना दिल्ली है की कोई पे लखनऊ से भी होगा तो कहने का मतलब है कि अब आप एक दूसरे को खत भेजना है तो आप किसका यूज करोगे कबूतर का कहने का मतलब क्या है जैसे मान लो कोई दिल्ली से है ठीक है तो इसे अगर मान लो कहीं भेजना है मान लो इसे यूपी कहीं भी भेजना है तो ये क्या करते हैं बच्चा ये अगर हम बात करें यहाँ पर एक कबूतर है इसे पकड़ाएंगे ये यहाँ यहाँ से खत यहाँ भेज देगा राइट यहाँ से खत यहाँ पर भेज देगा चलिए कह रहे हैं दीपा कह रहे हैं मैम हम बिहार से हैं भावना कह रहे हैं मैम हम यूपी से हैं गौरव जी दिल्ली से हैं रोहित झारखंड से हैं चलिए बहुत सारे बच्चे हैं हाँ मैम हम स्विट्जरलैंड से हैं चलिए मुझे पता है ठीक है ओके okay, एक जम्मू एंड कश्मीर हाँ जम्मू एंड कश्मीर कभी आएंगे विनेश शर्मा जी ठीक है आइए ओके okay, सुमित गोरखपुर से हैं चलिए दयानंद जी नोएडा से हैं चलो फिर तो तुम बिल्कुल पास में ही हो ओके 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 तो कहने का मतलब क्या बच्चा कि एक का खत दूसरे को भेजना एक का खत दूसरे को भेजना कौन करता है कबूतर और अब कौन करता था अब भाई हमारा जो पोस्टमैन होता था या जिसे हम डाकिया कहते हैं डाकिया ठीक है आपका जो पोन्स वाला पार्ट आपके ब्रेन में बच्चा वो बिल्कुल काम करता है पोस्टमैन की तरह आपका जो पोन्स वायरल आई है ये बिल्कुल किसके जैसा काम करता है मैम पोस्टमैन की तरह काम करता है started started. ये किसकी तरह, तरह काम करता है पोस्टमैन की तरह काम करता है कैसे अब देखो तुम्हारे तुम्हारे शरीर में अब दिल्ली पंजाब तो है नहीं है ना अब वो अलग बात है संधू जी के खून में पंजाब है पर तुम्हारा अगर हम बात करें तुम्हारे शरीर में क्या है तुम्हारे शरीर में ऑर्गन्स है ध्यान से सुनना बच्चा अब जैसे जो बॉडी ऑर्गन्स है सभी बॉडी ऑर्गन्स की मैं बात कर रही हूँ सभी बॉडी ऑर्गन्स ठीक है अब सभी बॉडी ऑर्गन्स को अलग अलग काम होता है लीवर को ब्रेन को अलग सिग्नल देना होता है ठीक है मान लो कोई एक एक्सटर्नल पेन हुआ कहने का मतलब एक बाहर से पेन हुआ हाँ जी मैम एक पेन अंदर से हो रहा है जैसे कई बार अंदर से पेन होता बाहर का मतलब जो स्किन पे लगे जैसे किसी ने चूटी काट ली दिस इज योर एक्सटर्नल पेन लेकिन आपको कई बार अंदर से दर्द होता है जैसे सिर का दर्द हो गया पेट का दर्द हो गया हाथ में अंदर से दर्द होता है तो कहने का मतलब अलग अलग तरीके का सिग्नल है ठीक है और ये बच्चा आपके ब्रेन के अलग अलग पार्ट में जाएंगे ब्रेन के इतने सारे पार्ट पढ़ा दिए है ना सेरीब्रम मिड ब्रेन और आपका हिंड ब्रेन बहुत सारा पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है

है कि आपके बॉडी ऑर्गन और ब्रेन के बीच में ऐसा ब्रिज कौन सा पार्ट काम कर रहा है आपके ब्रेन का तो आपको कहना है वहां पर मैम काम कर रहा है पॉन्स ठीक है पॉन्स वहां पे काम कर रहा है बस पॉन्स का इतना ही काम है तो आज के बाद पूछ ले कि आपके ब्रेन का डाकिया हम किसे कहते हैं तो याद रखोगे कि किसे कहते हैं पॉन्स को कहते हैं एक हमने सेरीबेलम कंप्लीट किया दूसरा मेडुला कंप्लीट किया तीसरा अपना पॉन्स कंप्लीट हो गया अब हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन के बारे में अब हम कहने का मतलब हमारा हिंड ब्रेन कंप्लीट हो गया क्या मैं कह सकती हूं हिंड ब्रेन के तीन पार्ट थे मेडुला ओबलन गैटा पोन्स और सेरिबेलम हमने हिंड ब्रेन कंप्लीट किया हमने पीछे वाला दिमाग पढ़ लिया अब हम बीच वाला पढ़ेंगे बीच वाले का कोई पार्ट नहीं है हम बस मिड ब्रेन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मिड ब्रेन पढ़ने के बाद बच्चा हम फोर ब्रेन पे आ जाएंगे ज्यादा क्वेश्चन फोर ब्रेन से ही बनेगा एक तो आपका यहाँ पे ये यह इंपॉर्टेंट है मैं लिख दू एक ये इंपॉर्टेंट है मेडुला ऑबलेन गेटा से इंपॉर्टेंट है कि जो काम आप नहीं कर सकते जो इनवोलेंट्री रिएक्शन वो कौन करवाता है मेडुला ऑब्लेन गेटा पोन्स से आज तक मैंने इतना क्वेश्चन नहीं देखा है ठीक है तो पोन्स को ज्यादा सीरियस लेके मत चलना अब हम पढ़ते हैं मिड ब्रेन से मैम क्या क्वेश्चन बन सकता है अब हम पढ़ते हैं जो मध्य मस्तिष्क है मैम जो मिड ब्रेन है वो उससे गुड्डू जी बिहार से है वेरी गुड गुड्डू तो उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है ठीक है आइए आइए अब हम पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं कि मिड ब्रेन ठीक है मिड ब्रेन है ना इसे हम कहेंगे मध्य मस्तिष्क बच्चे आपके आपके शरीर में पांच होते हैं सेंसरी ऑर्गन ठीक है पांच आपके पांच ऑर्गन्स ऐसे होते हैं ठीक है पांच ऑर्गन्स हैं आपके शरीर में जो संवेदी अंग माने जाते हैं संवेदी अंग माने जाते हैं किसी ना किसी चीज का सेंस देते हैं किसी ना किसी ना चीज का सेंस देते हैं मैं पांच सेंसरी ऑर्गन तुम्हारे बॉडी में कौन कौन से हैं तो आपको पता है स्किन सबसे बड़ा सेंसरी ऑर्गन तो स्किन है कोई टच करता है तो तुरंत हमें पता चल जाता है किसी ने हमें टच किया इनफैक्ट लड़कियों को बहुत जल्दी पता चलता है हमेशा देखना कि लड़कियों और लड़कों में ये बहुत अच्छी बात है हमेशा लड़की आगे होती है यहां तक कि जो है लड़कियों को टच किस तरीके से किया जा रहा है

टंग यानी जीव स्वाद लेते हो ना मोमोज बड़े अच्छे हैं ओके okay? उसके बाद में स्किन हो गया टंग हो गया फिर आएगा बच्चा आप भी लिखते रहो है ना उसके बाद में हम क्या लिख लेंगे स्किन हो गया टंग हो गया उसके बाद में आपकी आप नोज़ लिख लीजिए नोज़ ठीक है नाक स्मेल लेते हो है ना कि भाई मेरे आंख में पट्टी बांधो मेरे सामने गुलाब का फूल रखो मैं पहचान जाऊंगी मेरे सामने गेंदे का फूल रखो मैं पहचान जाऊंगी तुम्हारे आंख में पट्टी बांध के मैं तुम्हारे सामने सड़ा अंडा रखू तुम समझ जाओगे मैम ने कुछ बहुत गंदा रखा मेरे सामने सड़ा हुआ आलू रख दू तो आप समझ जाओगे है ना तो जो स्मेल आपने बिना देखे स्मेल किया वो भी क्या है सेंसरी ऑर्गन है उसके बाद में आपकी आंखें ठीक है उसके बाद में आपके कान ये जो है ये आंख हो जाएगा इसे कान बना दिया मैंने ठीक है आंख और ये आपके कान ये पांच जो है बच्चा पांच सेंसरी ऑर्गन होते हैं आपके बॉडी में ठीक है पांच सेंसरी ऑर्गन होते हैं आपकी बॉडी में पांच सेंसरी ऑर्गन होते हैं आपकी बॉडी में अब क्वेश्चन क्या आता है मैम एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ब्रेन जो मिड ब्रेन है ये कौन सा पार्ट कवर करता है ठीक है जो मिड ब्रेन है ये आपका कौन सा सेंसरी ऑर्गन है जो सीधा अपना संदेश इसको भेजेगा तो बच्चा ध्यान से सुनना यहाँ पे जो आंख और कान है ये दोनों अपना क्या कहते हैं सीधा अपना जो भी सेंस होता है वो किसे भेजते हैं मिड ब्रेन को भेजते हैं भाई मैंने ये सुना है है ना भाई मैंने ये सुना है आजकल गाना सुन रहे हैं सारे है ना बिखरने को मुझको शौक है बड़ा कुछ तो इसने बता देगा कि भाई आजकल मैं यही सेंस कर रहा हूं इंस्टाग्राम से राइट right? आंखें बता देंगी जो भी तुम देखते होगे रील्स वगैरह तो मतलब आंख और कान जो सेंस करता है उसे कौन देखता है उसे मिड ब्रेन उसे मिड ब्रेन देखेगा और यही आपके एग्जाम का क्वेश्चन है कि कौन से मिड कौन से सेंसरी ऑर्गन को आपका मिड ब्रेन कंट्रोल करता है मेरे एक एक क्वेश्चन को लिखते जाओ जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी अगले संडे नेक्स्ट संडे हम मैराथन क्लास रखने वाले हैं ठीक है तब आपको कहना है तब आपको कहना है कि मैम मिड ब्रेन को नोज और आप इयर जो है ईयर और नोज किससे कंट्रोल होते हैं कंट्रोल बाय मिड ब्रेन ठीक है जी डन ओके वेरी गुड वेरी गुड निकिता देखो निकिता शर्मा तेज चल रही है वैसे बताते नहीं है बच्चे ठीक है देखो बच्चे होते हैं है, मैम हमने कुछ नहीं पढ़ा है ना मैम से तो फिर भी बता देंगे तुम आपस में पूछोगे बेशक इन्होंने तीन बार सिलेबस को रट्टा मारा हो पर ये कई जो पढ़ने वाले होते हैं ज्यादा टॉपर भाई मैंने कुछ नहीं पढ़ा अभी तो मैं सोच रहा हूँ मैं कौन सी बुक लू हमारे में तो ऐसे होते थे है ना मतलब उन्होंने सिलेबस को तीन बार रट्टा मारा हो पूछते थे अरे अभी तो कुछ नहीं पढ़ा अभी तो जाऊंगा बुक उक लूंगा देखूंगा मैम से पूछूंगा कौन सा बुक लू और तीन बार रट्टा मार के रखते हैं सिलेबस तो सभी पढ़ के रखेंगे

थैलेमस थैलेमस वाला पार्ट पढ़ते हैं सबसे पहले हम फोर ब्रेन का थैलेमस वाला पार्ट पढ़ते हैं ठीक है भाई बच्चा पार्टी सबसे पहले फोर ब्रेन का थैलेमस वाला पार्ट कवर करते हैं आर यू रेडी चलो फिर से बताओ सभी तैयार हैं अब भाई आगे वाला मस्तिष्क कवर पढ़ने जा रहे हैं क्या हम शुरू कर दें क्या हम थैलेमस को ला दें आपके सामने क्या आप थैलेमस पढ़ना शुरू करना चाहते हैं जल्दी से बताएंगे जल्दी से बताएंगे यस मैम हमें थैलेमस पढ़ा दीजिए जल्दी से बताइए थैलेमस का ज्यादा काम नहीं है ठीक है थैलेमस का काम नहीं है काम ज्यादा है हाइपोथैलेमस का, ठीक है? आइए, थैलेमस हम यही पढ़ लेंगे बच्चे देखो पांच सेंसरी ऑर्गन है हाँ जी मैम तीन अगर इसके द्वारा कंट्रोल हो गए तो ये भी तो किसी के द्वारा कंट्रोल होते होंगे तो स्किन नोज ये कौन कंट्रोल करता है ये आपका थैलेमस वाला पार्ट कंट्रोल करता है बस इतना याद रखना ठीक है थैलेमस इतना आप इसे याद रखेंगे थैलेमस वाला जो पार्ट है वो किससे आपकी त्वचा पे है ना यानी जो एक्सटर्नल पेन है ये ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये जरूर याद रखना ये जरूर याद रखना एक्सटर्नल पेन यानी बाहरी दर्द बाहरी दर्द जैसे जैसे आपको आपके मम्मी ने थप्पड़ लगाया बहुत तेज से वो बाहरी दर्द है ना हमें भी बहुत बार लगा वो बाहरी दर्द हमने भी महसूस किया है है ना और आ, किसी ने सुई चुबो दी है ना बच्चा किसी ने चूटी काट ली तो जो एक्सटर्नल पेट पेन है कहने का मतलब चाकू से हाथ कट गया ये सब एक्सटर्नल पेन है तो ये कौन फील करवाएगा जो स्किन का मालिक होगा स्किन का मालिक कौन है आपका थैलमस तो ये आपको याद रखना है यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछता है ज्यादातर क्वेश्चन यहां से यही पूछता है कि जो एक्सटर्नल पेन है बाहरी दर्द है वो किसके द्वारा कंप्लीट होता है याद रखना आपके थेलमस वाले के द्वारा कंप्लीट होता है यहां से बस ये याद रखना है अब आते हैं किस पे अब हम पढ़ेंगे बच्चा ज्यादा अच्छे से किसके बारे में जहां से क्वेश्चन बनेगा हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस जो दूसरा पार्ट था आपके आ, फोर ब्रेन का इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसके बारे में मैं जो जो नोट करवाऊंगी सब नोट कर लेना इसके बारे में मैं जो जो नोट करवाऊंगी सब नोट करना क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं ठीक है आइए लिखिए हाइपोथैलेमस हाइपो थैलेमस ठीक है सबसे पहले हाइपो का मतलब होता है नीचे ठीक है नीचे तो किसके नीचे थैलमस के नीचे तो आपसे पूछ ले थैलमस के नीचे क्या पाया जाता है अगर पूछ ले कि अगर पूछ ले कि अगर वो पूछ ले हमसे कि गम किस बात का है तो गम किस बात का है अगर वो पूछ ले हमसे

हाँ क्वेश्चन पूछेगा कि आपके बॉडी का ताप मापी कौन है आपके बॉडी का ताप मापी कौन है थर्मामीटर कौन है आपके बॉडी का आपके बॉडी का थर्मामीटर कौन है ठीक है आपके बॉडी का टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है टेम्परेचर यानी तापमान है ना मेरी क्या बात याद रखोगे मैम की एक बात याद रखना कि आज के बाद अगर आपसे पूछ ले कि बॉडी का टेम्परेचर ठीक है अब देखो टेम्परेचर से अगर हम बात करें टेम्परेचर में शॉर्ट में लिख देती हूँ टेम्परेचर से अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर पूछ लिया कि तुम्हारे बॉडी का थर्मामीटर कौन है तुम्हारे बॉडी का तापमापी कौन है तुम्हारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कौन करता है ठीक है कुछ भी टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए और वो पूछ ले बॉडी का कौन सा पार्ट कंट्रोल कर रहा है आपके ब्रेन में तो आंसर बच्चा हमेशा लगा के आना हाइपोथेलमस हाइपोथेलमस से यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर किसके द्वारा कंट्रोल होता है हाइपोथेलमस के द्वारा कंट्रोल होता है ये बहुत पूछा गया है तुम कहते हो मैम ट्रिक बता दो ट्रिक यही है कि रटे हुए क्वेश्चन है ट्रिक यही है कि रटे हुए क्वेश्चन यहाँ लगा लो स्टार और कोई ट्रिक नहीं यही ट्रिक है कि स्टार लगा लो इसे छोड़ के नहीं जाना या रट्टा मार के जाओ याद करके जाओ समझ के जाओ ठीक है जी डन अब इससे आगे आते हैं अब आते हैं इससे आगे अब अच्छा ध्यान से देखना कि अगर हम बात करें आपको भूख लगती है ठीक है हंगर आपको प्यास लग प्यास लगेगी थ्रस्ट या आपको आ, प्यार होगा ठीक है आपको प्यार हुआ लव ओके या आपको गुस्सा आया है ना आप नफरत करते हैं किसी से हेट आपको कोई फीलिंग आती है फीलिंग ठीक है फीलिंग और क्या और अगर हम बात करें आपके इमोशंस ठीक है आपके इमोशंस ये सब कंट्रोल होते हैं बच्चा हाइपोथैलेमस के द्वारा ये का question है कि भूख और प्यास का लगना ब्रेन का कौन सा हिस्सा देखता है आपको भूख लगी जैसे मुझे फील हो रहा भाई थोड़ा सा पानी पी लेते हैं गला थोड़ा सा हो रहा है गले में थोड़ा सा जल की आवश्यकता है तो वहां कौन सा पार्ट कर काम करेगा हाइपोथेलमस तो जितने बच्चे आज मेरी ये क्लास ले रहे हैं कोई आज के बाद यह नहीं कहेगा कि मुझे दिल से प्यार हो गया है है ना दिल का कोई रोल नहीं होता है ना दिल का कोई रोल नहीं होता बच्चा सब ब्रेन का तुम अब देखो क्यों कहते हैं हमें दिल से प्यार हुआ है अगर तुम जाके किसी लड़की से कह दोगे कि हमें ब्रेन हमें हाइपोथैलमस से प्यार हो गया है, है ना तुम्हारे हाथ में कभी आएगी नहीं मार के और जाएगी राइट इसीलिए तुम थोड़ा सा क्या करते हो थोड़ा सा उसे मेन्युपलेट करने के लिए चीजों को आप क्या करते हैं वहाँ दिल का नाम ले देते हैं जबकि आपकी मैम ने पढ़ा रखा है हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन है ना हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन हार्ट का एक ही काम है क्या काम है भाई कि मैम वो पंप कर दे ठीक है ब्लड को पंप कर दे जो प्यार होना गुस्सा होना बच्चा सारी के सारी इमोशंस आपका मूड मूड बनाते हो ना भाई है ना एक ही मूड नहीं बनता एक पढ़ने वाला भी मूड बनता है है ना मूड बनाते हो क्या पढ़ाई कर लेते हैं तुम तुम तु तो दूसरा ही सोच रहे हो तो बच्चा जो आपका मूड भी बनता है सब सब डिपेंड करता है आपके हाइपोथेलमस वाले पार्ट पे है ना तो आज के बाद जितने भी यहां पढ़े लिखे बच्चे हैं सब कहेंगे भाई जो भी काम हो रहा है हाइपोथेलमस का हो रहा है है ना आज के बारे में मत कहना मेरा दिल टूट गया कहना मेरा हाइपोथैलेमस टूट गया है ना ठीक है क्लियर यहां तक तो अब आज के बाद आपको पता है कि भूख लगना प्यास लगना गुस्सा आना सब कुछ काम किसका होता है ब्रेन का होता है बच्चा ब्रेन को यहाँ सेट कर रखा भगवान ने है ना राजा बना रखा है क्यों क्योंकि तो पूरे बॉडी को तुम्हारे हर एक इमोशंस को तुम्हारे आंसू जो निकलते हैं हर एक चीज को यही कंट्रोल करता है ब्रेन का हाइपोथेलमस वाला है ना तो खुश रह, रखना है तो इसको खुश रखो हाइपोथेलमस को खुश रखो तुम खुश रहोगे हाइपोथेलमस खुश तुम खुश ओके डन मामला क्लियर बातें तो so, फाइनली हमने क्या क्या पढ़ा आज फाइनली हमने देखो बच्चा सब कंप्लीट कर लिया है मेडुलास मिड ब्रेनमस वाला पार्ट कंप्लीट हो गया हाइपोथेलमस वाला पार्ट कंप्लीट हो गया थेलमस वाला पार्ट कंप्लीट हो गया अब ये वाला पार्ट बचा है जिसे हम सैरी कहते हैं ठीक है ये कुछ इस तरीके से होता है ऐसे करके और फिर इसके चार लोभ होते हैं फ्रंटल लोभ पे लोब लोभ ये मैं आपको पढ़ाऊंगी कल क्योंकि ये थोड़ा लंबा खींचेगा ठीक है ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगी कि यहाँ से आपको याद कराऊंगी कि अगर आप यहाँ से अपने खोपड़ी को देखते हो सामने से तो वो कैसे दिखेगी अगर ऊपर से कैमरा लेके ऐसे हम देखें अपनी खोपड़ी को तो वो कैसे दिखेगी ये सब मैं आपको कल बताऊंगी कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि कल हम सारे लोभ के बारे में पढ़ेंगे और कल मैं आपको बताऊंगी कि आप बचपन की बातें भूल क्यों जाते हैं है ना बचपन में आपकी मम्मी ने या पापा ने किसी ने बहुत अच्छे से कुटाई की हो लेकिन बड़े होके हम भूल जाते हैं क्यों भूल जाते हैं वो ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है जो मेच्योर नहीं होता तो हम बचपन की यादें भूल जाते हैं है, बचपन का प्यार भूल जाते हैं ना तो आप बचपन का प्यार कैसे भूल जाते हो ये मैं आपको कल समझाऊंगी कल तो संडे है कल क्लास नहीं होगी मंडे ठीक है मंडे कल तो हम थोड़ा आ, हम भी रेस्ट वेस्ट कर लेंगे तुम तुम्हारी इच्छा है तो है ना रेस्ट क्या ही करना कल वॉशिंग मशीन लगा लेंगे कपड़े धोएंगे रेस्ट तो क्या ही है हमारी जिंदगी में चलो तो ठीक है भाई आज के लिए इतना बहुत मजे किए तुमने हाँ सब चेहरे बिल्कुल खिल रहे हैं अब आपसे मिलते हैं कल ओके बच्चा चलिए एक बार दिखा दीजिए कमेंट से बाय बाय कर लू मैं इनसे कल तो मिलूंगी नहीं चलो तो कल सभी बच्चा पार्टी कल नहीं मंडे ठीक है मंडे अपनी अपनी कॉपी में लिखो भाई सभी अपनी कॉपी में नोट करेंगे क्या करेंगे नोट कि मंडे आना है है ना मंडे